सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, उतर चुके हैं स्टेशन पे और ये है वो कौआ कौआ। चल मेरे साथ ही चलो बॉडीगार्ड। चलो चलो और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने सामानों को लेके बाहर और देखते हैं कैसा क्या रहता है। और हम लोग बाला तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले हैं आज, देखो आज होते हैं या कल होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है। तो जैसा भी होता है आप लोगों को बताऊँगी मैं। सही लगा लो भैया यार, रेट 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 सही लगा लो। रेट है ना वो सर क्या? ये चीज़ देख लेना। हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो में। सो गाइस अभी हम लोग ऑटो में बैठे हैं और पाइन कुछ भी नहीं आता लाइन करेंगे यहाँ पे पूरे टाइम। क्या रहा है काफी अच्छा लगा, मौसम अच्छा है मतलब कम से कम तक तो गर्मी आ रही है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई है ना शायद इस वजह से यहाँ पे बारिश हो गई है। भगवान ने सुन लिया। गाइस फाइनली हम लोगों को यहाँ पे रूम मिल चुका है तो हम लोगों ने ये वाला होटल बुक किया है, मतलब इसके बगल वाला मतलब बगल वाला क्या। तो अभी हम लोग स्टेशन से डायरेक्ट होटल पे मतलब छूट देते ऑटो वाला भैया, ऑटो वाले भैया ने तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनली एक रूम मतलब होटल पसंद आया है और हम लोग आज के लिए केवल आज के लिए ही हमने बुक किया है। और यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि हम लोगों को कपड़े सुखाने के लिए काफ़ी स्पेस है तो हम लोग ईजिली यहाँ पर सुखा सकते हैं, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है। और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, लाइक फ्री बालकनी भी है यहाँ पे। और ये है हमारा रूम, सो मैं आपको रूम का टूर कराती हूँ। सो यहाँ से आएंगे सीढ़ियों से तो ये हमारा रूम पड़ेगा यहाँ पे। सो ये थ्री बेड देखते हैं ना, सो ये तीन बेड है तो ये हम सब के लिए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अलमारी दी हुई है, एसी लगा है, चेयर दी हुई है, ये वॉशरूम है और ये मिरर दिया हुआ है और मिरर यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे मैं हूँ। सो अभी हम लोग आराम करेंगे, बहुत थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और अभी भैया वगैरह है ना टोकन लेने जाएंगे 6 बजे, तो हम लोग हो गए यहीं पर ही। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने भी नहा लिया है, रेडी हो गए और बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं और ये भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने येलो सूट पहना है और एलिस भी रेडी हो गई है, ये भी रेडी हो गए और ये भैया भी रेडी हो गए, हम दोनों का सेम सेम येलो येलो हो गया। और ये नेहा झा भी रेडी हो चुकी है, झा झा। और गाइज आपको एक और व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है। यहाँ से ना वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, पुल दिख रहा है, पुल। एक पुल दिखाती हूँ, व्यू दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पुल है, ये पुल है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये पहाड़ है और देखो वहाँ पे ना बादल भी दिख रहे हैं, सामने ऊपर को आ गए हैं बादल सारे। और यहीं पर ही सिटी है पूरा। और गाइस हम लोग आ चुके हैं नीचे और ये हमारी लिफ्ट आ रही है ऊपर, तो सब लोग निकलते हैं बाहर और जाएंगे दर्शन करने, बस दर्शन अच्छे से हो जाए। तो हम लोग निकल चुके हैं और बाहर आके ना बहुत अच्छा लग रहा है, इतना घूम में तो घुटन सी हो रही थी लेकिन यहाँ हमको अच्छा लग रहा है। और बस हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है,
कैसे जा रहे हैं, तो अभी हम लोगों को कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं जाता है। तुमको बस स्टैंड से 3 किलोमीटर आता है, दर्शन एंट्रेंस लाइन आता है, दर्शन एंट्रेंस लाइन उधर छोड़ेगा। आप बोलो 1000 रुपये बोल रहे हैं, हमारा बोल रहे हैं 1000 रुपये कम करो, उसको भी आ रहे हैं। सो गाइस हम लोगों ने टैक्सी कर लिया, तो हम लोग जा रहे हैं टैक्सी से। ओह गॉड, वीआईपी ऐसा नहीं हो पाएंगे क्या? तुम लोगों ने क्या चेक किया था? सबसे बोल रही थी क्या करें तो सही पहले से अंकल वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएगा, मतलब वीआईपी नहीं हो पाएगा। वीआईपी दर्शन किधर मिलेगा मैडम? ऑनलाइन करना ले जाते ले लेटर बना वीआईपी का, पर हमको तो बोला था कि मिल जाएंगे वहां, वो लोग बोल रहे थे मिल जाएंगे हम लोगों को वीआईपी दर्शन, पूरा वीआईपी हो जाएगा। वीआईपी दर्शन मिल जाएगा मैडम, आप नहीं है ना? हां ऑनलाइन कर दिया पूरा, पूरा ऑनलाइन कर दिया, इधर ऑनलाइन नहीं है ना? हाँ ठंडा है ना बाहर। सो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों के वीडियो के सो हम लोगों के वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। और वाओ वो देखो ये बाहर देख, इधर भी बना रही है। सो गाइस आप लोग सिर्फ व्यू इन दो, सो गाइस आप लोग व्यू एंजॉय करिए और जैसा भी होता है आपको देखने को मिलता रहेगा। चुके हैं, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है और यहाँ से हम लोग लाइन में लगेंगे। यहाँ पे हम सबको शायद स्लीपर्स उतारनी है। गाड़ी में कैसे छोड़ते गाड़ी में कैसे छोड़ती तू? वाह बेटा। सो यहाँ पे हम लोगों को स्लीपर्स उतारनी पड़ेंगी अपनी, तो इससे चलो यार, क्यों इससे चलते बिना स्लीपर क्या रहते अपन, तो अच्छा रहता। स्लीपर उतारनी पड़ेंगी, फिर यहाँ पे लाइन में लग के यहाँ से जाना है। ये जाली दिख रही है ना आपको, यहाँ से सब। और हम लोगों को वीआईपी नहीं मिला क्योंकि वीआईपी कल होगा ना ओपन, आज नहीं होगा ना, आज चप्पल रख है ना। वीआईपी क्यों नहीं मिला अपने को? क्यों वीआईपी क्यों नहीं मिला? वो टोकन फ्री हो, टोकन खत्म हो गए।
टोकन खत्म होगा, ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हम लोगों को टोकन टोकन नहीं मिला। सो हम लोगों को मतलब फ्री मतलब बिना बिना वीआईपी वाले मतलब चल के जाना पड़ेगा पूरा, तो उसमें हमें 6 से 12 घंटे लग सकते हैं। क्या होता है हालत खस्ता होने वाली है, बट दर्शन अच्छे से हो जाए बस हम तो ये कह रहे हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए बस। शक्ति दे भगवान हमें चलने की ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दे, शक्ति बस थकान में शक्ति देना भगवान जी गोविंदा। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है चलना और ये हमारी फ्री यात्रा है, परीक्षा ले रहे हैं भगवान हमारी, क्योंकि हमें वीआईपी दर्शन मतलब वीआईपी दर्शन करने को तो नहीं मिल रहे हैं बट फ्री करने के लिए मिल रहे हैं। सो हम लोग फ्री दर्शन करेंगे बस अच्छे से हो जाए, और काफ़ी लंबी लाइन रहेगी, काफ़ी टाइम लगने वाला है। सो बस सो गाइस हम लोग चलते जा रहे हैं हाँ ये काफ़ी ज़्यादा पहने हैं। सो या अभी ऊपर चढ़ के जाना है गाइस, वहाँ से जाएंगे हम लोग, इतना घुमावदार है यहाँ से, यूँ फिर सीढ़ियों से यूँ इस तरह से जाना है, फिर घूम के फिर वो गोल तो गोल गोल घूमते जा रहे हैं हम, एक ही राउंड राउंड घूमते जा रहे हैं गोल गोल बस जल्दी से अच्छे से पहुँच जाए। हाँ तो गाइस यहाँ पे सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी हम लोग आए वेटिंग रूम में, यहाँ पे है ना जिन लोगों की मतलब जो आगे बढ़ते जाते हैं उनको निकालते हैं, फिर उनकी बारी आती है उसके बाद फिर लोग उठ के जाएंगे आगे, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे शायद वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोगों के लिए बारी आएगी तो हम लोग जाएंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, मिला कैसे बैठते हैं उनमें एक हो गया। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ वेटिंग रूम में, सो गाइस वीडियो बहुत अच्छी बनी है यहाँ पे, हमने वीडियो बनाकर काफ़ी डाल देते हैं ना, ये भेज मुझे यहाँ मैं डाल देती हूँ। हाँ कर रहा टैग कर सो गाइस अभी हम लोग यहाँ वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, और मैं तो आराम कर रही हूँ, और ये फ़ोन पे लगी है मम्मी से, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ये स्टोरी लगाने में लगी, ये भी स्टोरी लगा रही है, और मैं आराम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। नींद आ रही है भीड़ में, आवाज में, और मैं नींद नहीं आ रही, इसको नींद आ रही है, अब वो भी चश्मा लगा के सो रही है सर्वाइव पगली सर्वाइव इसको तो गाइज अभी हम लोग अभी भी बैठे हुए हैं, और काफ़ी टाइम 2 घंटे हो गए हम लोगों को, और यहाँ पे अभी उपमा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग उपमा खाते हैं, मतलब सबको फ्री में देते हैं, प्रसाद ही होता है वो, सो बस हम लोग खाते हैं, फिर आगे प्रसाद शायद नहीं मिलेगा तो यहीं पे खाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसा रहता है देखते हैं। सो गाइज हम लोगों का उपमा आ चुका है, सो ये है प्रसाद यहाँ का, सो इसे खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। सो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं, ये उपमा बहुत ही टेस्टी है, खाने में अच्छा लगता है, हम लोग दो लोगों ने मंगा लिया। तो गाइज हम लोग अब भी यहीं पर रूम पर यहाँ वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, और कितने बज गए, 12:30 बज गए, हम 8 बजे के अभी तक बैठे हुए हैं, और अभी यहाँ पे खाना मिल रहा है, शायद पता नहीं क्या मिल रहा है देखते हैं, सो हम खाते हैं। और चश्मिस गर्ल्स, सो गाइज हम लोगों के यहाँ पे ये फ्रूटी बाटी गई है, मतलब बाटी नहीं पैसों में मिली है, सो अभी हम लोग यहाँ पे फ्रूटी पी रहे हैं यहाँ पे,
सभी लोग सब मिला के हो गया अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे यार, बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब दर्शन होंगे, रात हो जाएगी अब 11-12 बजे। ये देखो पी रही है क्या हुआ शर्मा के लिए, पीले 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 तू पीले, गर्मी क्यों लग रही है ऐसे लग रहा महीने का बच्चा पी रहा हाथ लगा के फाइनली हम लोग जेल से छूट गए, जेल नहीं था वो, एक तरीके से हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, थोड़ा छोटा सा, अब हम लोग निकल गए हैं। तो आप लोग भी देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, एकदम से सब बहरा के निकले बाहर, देख रहे हो कितनी भीड़ है। सो गाइस ये सारे गेस्ट रूम, वो गेस्ट रूम ही ना, वेटिंग रूम है सारे ये वाले, और काफ़ी लोग अलग अलग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, और हम लोग 9 नंबर में मिले थे, बट हम लोग ऐसा लगा था, कैसा लगता कैदी कैदी ऐसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि है ना वहाँ पे हम लोग 6 घंटे 6.5 घंटे तक बैठे रहे थे, और हम लोग निकल रहे थे सारे कैदियों को रिहा कर दिया हो, चलो अब दूसरे वहाँ पे हमारा खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखा गया था। वैसे एक बात माननी पड़ेगी यहाँ पे है ना, क्लीनिंग बहुत सही है, सब चीज़ का ध्यान रखा गया है, और ना खाने पीने का मतलब सारी फैसिलिटी सब सबको अच्छा है, कुछ है ना बताओ जरा थोड़ा एक्सपीरियंस है कर ले। सब कुछ एकदम एक नंबर था, खाना पीना भी टाइम से मिला था हम लोगों को, कोल्ड ड्रिंक भी, सब चीज़ें हो गई, जैसे कैदियों को रखते थे उन्होंने किसी भी तरह से हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं किया, परेशानी का सामना पानी भी था सब कुछ, वॉशरूम भी सब क्लीन थे, सब कुछ सही था। आज दर्शन होना है अपने गुरुवार, आज जैसे कह रहे गुरुवार है और आज दर्शन है, तो काफ़ी अच्छा है, और आज विष्णु जी का ही दिन है, तो आज दर्शन अच्छे से आज दर्शन हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। कल शुक्रवार माता लक्ष्मी का, हाँ कल शुक्रवार है का माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का दर्शन हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे टोकन वगैरह मिल रहे हैं, तो हम लोग ले लेते हैं पटाखे, हम लोगों को है ना टोकन मिल गए हैं, और यहाँ पे हम लोग अपने मोबाइल जमा कर रहे हैं, तो मैं आगे का ब्लॉग आपको नहीं दिखा पाऊंगी, सो जैसे ही दर्शन करके फ्री होते हैं सो मैं आपको मिलती हूँ, और दर्शन हमारे आज ही हो जाएंगे, और इसमें 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, बाकी आज दर्शन हो जाएंगे, जरूरी नहीं 9 बजे हो या फिर 12 बजे हो सकते हैं, अरे व्हाट्सएप जमा हो गया, रखो जाओ बैग जमा करवा, क्या किया ये रख रहा है अपने पास, तो कोड कूपन नंबर तो याद करने दे, अरे सब एक ही है वो, नहीं लिखना, ये बैग भी रख दूं, ये बैग रख लेना, लोगों ने लिख लिया, तूने लिख लिया, मोबाइल जमा कराना है बड़े बड़े, जो बैग रख दो, आगे से फिर चुपचाप से पूरा बैग ले आ, चेक किया था क्या, नहीं चुपचाप चेक किया गया। सो गाइस फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, और अभी जस्ट दर्शन करके ही हम लोग आए हैं, और अभी कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, और हमारे दर्शन है ना 1:45 हो गए थे, मतलब 12:40 पे हम लोगों के दर्शन हो गए थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सेकंड के लिए ही दर्शन करने के लिए देते हैं, बाकी निकल जाओ। सो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं, और हम लोगों ने अभी यहाँ पर टचअप वगैरह कर लिया है, और अभी हम लोगों ने जस्ट लॉकर से मोबाइल अपना लिया है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, दर्शन हो गए अच्छे से, और अभी रात के 2 बज रहे हैं, सो काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, और हम लोग सुबह के 8 बजे के बैठे हुए, अब जाके 12:40 पे दर्शन हुए हम लोगों के,
सो लेकिन ऐसा लगा नहीं बिल्कुल भी कि बोर हो रहे हैं या फिर थक गए या फिर बहुत आराम से मतलब बीच बीच में वेटिंग रूम में हमने काफ़ी रेस्ट किया। अब हम कुछ लेने कुछ जा रहे हैं कुछ लेने के लिए और चलो चलते हैं। फिर यहाँ पे है ना अभी शॉप बनी हुई है तो यहाँ पे सब मूर्ति तस्वीर सब मिल जाएगी यहाँ पे बालाजी के। किसके लिए रहती सारी ये सारी बहुत प्यारी लग रही है तस्वीर। How much? टोटल कितना हो गया? ये लो 350 ले लो। सही लगवा लो नेट्स। 250 आपने इसके बोल दी थी 80 इसके हो गए। नो 330 हुए ना? 330 हो गए। अंदर भी शॉप है सारी यहाँ पे पूरी और है ना इधर से हम लोग आए थे इधर की साइड से और इधर भी शॉप है और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट से मंदिर का व्यू और अंदर तो अलाउ नहीं था मोबाइल वगैरह। छोटे छोटे ले लो यहाँ पे टॉयज मिल रहे हैं यहाँ गर्ल्स के आइटम मिल रहे हैं यहाँ प्यारे प्यारे बैग चूड़ी इयर रिंग्स पर्स मिल रहे हैं क्यूटी क्यूटी पर्स छोटे छोटे ये अच्छा लग रहा है ये छोटा सा। हाउ मच हटे हटू 300 और देखते राजा देखते हैं चेन वगैरह है मंदिर की तरफ वहाँ पे हम लोग फोटोज क्लिक करेंगे और अभी हम लोगों ने यहाँ से तस्वीर वगैरह बाय कर ली है सब लोगों ने सामान ले लिया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ तो वहाँ पर फोटोज क्लिक करते हैं और फिर आगे जैसा मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी भीड़ है मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी लोग लेटे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और मंदिर पूरा सामने आपको दिखाते थे कोई ना सामने मंदिर अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोगों के दर्शन फाइनली हो गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दर्शन होने के बाद और यहाँ पे दिए वगैरह हैं जल रहे हैं इधर यहाँ दिए जल रहे हैं और ये रहा मंदिर। हाँ मैंने दिया था और ये मंदिर है यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए क्योंकि अंदर मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं होते हैं सारे मोबाइल लॉकर में रख देते हैं सब चीज़ें। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा हुआ कि सुबह से है ना बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो हम लोगों को बिल्कुल भी धूप नहीं मिली तो अच्छे से सब कुछ अच्छे से हो गया बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं आई जरा भी। सो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे अपने क्योंकि 4:30 समथिंग हमारा चेकआउट है। सो देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग कभी थोड़ा टाइम लेंगे उनसे या फिर बैग रखने के लिए उनसे बोलेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं बहुत थोड़ा थक चुके ज़्यादा ही थके क्योंकि हम लोग हमने आराम ही किया था कुछ किया ही नहीं ज़्यादा मतलब मैं चलना नहीं पड़ा ज़्यादा कुछ भी और बस अभी जा रहे हैं हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए हमने और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एक बार आप लोग भी ज़रूर आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत शांति मिली यहाँ के।
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने स्लीपर्स लेने के लिए, जो हमने ना बहुत आगे चले गए वो। सो हम लोग जा रहे हैं अभी स्लीपर्स लेने के लिए, और बस स्लीपर लेके फिर हम निकलेंगे रूम पर। और ये हमने काफ़ी सारे अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी स्लीपर्स लेने। हम काफ़ी ढूंढ रहे हैं लेकिन हम लोग क्या रास्ता थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। तो हमने मैप निकाल लिया, तो मैप में हमको रास्ता मिल गया। तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं अपनी स्लीपर्स जहाँ पे हमने उतारी थी। तो बस स्लीपर्स लेके फिर हम लोग निकलेंगे टैक्सी लेके रूम के लिए। और यहाँ पे थोड़ी टैक्सी की भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना अभी 3:15 बज गए हैं। सो देखते हैं कैसा होता है। इधर है ये VIP दर्शन, इधर हो रहे हैं VIP दर्शन, इधर होते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे चप्पल लेने के लिए यहाँ से आए थे, निकले थे। सो हमें पता चला कि यहाँ पे इधर से होते हैं VIP दर्शन, और हमें VIP टिकट्स नहीं मिले थे क्योंकि वो फुल हो चुके थे सारे। और हम लोगों ने सुबह फिर फ्री वाले में ही हमने मतलब दर्शन किए वहाँ पे। और फ्री में है ना 6 या 12 घंटे लग जाते हैं आराम से, मतलब लग जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी हो जाते हैं। बट हमें आराम से 8 बजे की सुबह से 12:40 पे हम लोगों के दर्शन हो गए थे। बट हमें ना ज़्यादा चलना नहीं पड़ा कुछ भी, बैठे ही बैठे रहते हम लोग, तो थकान भी ज़्यादा कुछ नहीं हुई, अच्छे से सब दर्शन हो गए। बस चप्पल लेते हैं और क्योंकि अब आ रही नींद। हम लोग ने वैसे वेटिंग रूम में ना सो भी लिए थे 1 घंटा, मतलब नींद ले रही थी थोड़ी थोड़ी। बट अब जाके अच्छे से देखते हैं सो पाते के लिए। सो गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हम लोग के कल दर्शन हो गए थे, तो हम लोग रात को काफ़ी लेट हो गए थे आने में। सेकेंड डे है तिरुपति में। सो आज हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। सो वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, बहुत फेमस है। और उसके बाद हम लोग शायद देखते हैं एक और मंदिर और कौन से जाते हैं। और आज का मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आज धूप हो रही है। कल मौसम बहुत अच्छा था और आज मैं धूप निकल गई थी, आपको दिखाती हूँ देखो। और सामने पहाड़ दिख रहे हैं और धूप बहुत तेज हो रही है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, आज धूप निकल जाएगी, आज हालत पक्का ख़राब हो रही है। कल का दिन तो बहुत अच्छे से निकल गया, ठंडक थी पूरे टाइम से, बस लेकर अब तक बारिश का मौसम था। और अभी बस हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं मंदिर की तरफ। और हम लोग ना रात को आगे सबकी सब सो गए थे, और फिर अभी 10:30 हम होते हैं, तो फटाफट रेडी होके बस हम लोग निकल रहे हैं। सो मिलती हूँ फिर मैं आपको।